हेलो स्टूडेंट्स, सेफ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोयम आंट जेनिफर स्टाइगर, जिसे लिखा गया है एड्रीन रिच के द्वारा। ये जो एड्रीन रिच हैं, ये यूएसए से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने बहुत सारे वॉल्यूम्स लिखे हैं, थॉट्स लिखे हैं और एसेज लिखे हैं। और इनके अधिकतर जितने भी पोएम्स हैं वो सभी औरतों की स्थिति के बारे में वर्णित की गई हैं। द पोएम आंट जेनिफर स्टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन एक्सपीरियंसेस। जो आंट जेनिफर हैं, इन्होंने अपनी पोयम में, जो आंट जेनिफर स्टाइगर है, इसमें इन्होंने शादीशुदा औरतों के जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि भले ही शादी के पहले औरत की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती और सुख सुविधाओं में पली बड़ी हो, लेकिन शादी के बाद औरतों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मुख्य कारण उसका लाइफ पार्टनर होता है। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है तो उसका जीवन अच्छा निकल जाएगा, लेकिन अगर लाइफ पार्टनर में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो उस औरत को ज़िंदगी भर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। ये जो पोएम का टाइटल है, ये आपको किस ओर संकेत करता है। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स। क्या आपको टाइगर्स से संबंध में कुछ अन्य पोएम भी याद हैं। चलिए देखिए, अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंक अक्रॉस आ स्क्रीन। अब जो हमारी आंट जेनिफर हैं, वो अपनी एक स्क्रीन में अर्थात फ्रेम में टाइगर को डिज़ाइन कर रही हैं। ऐसा टाइगर डिज़ाइन कर रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घमंड में चल रहा है, अर्थात प्रैंक। प्रैंक मतलब कॉन्फिडेंट से और घमंड में स्क्रीन में आगे की ओर चल रहा है, अर्थात मूव कर रहा है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और जिस फ्रेम में वो उस टाइगर को बना रही हैं, वो टाइगर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, फुल ऑफ एनर्जी है, अलाइव है। डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो जिस एरिया में रहता है वो एरिया भी बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है। तो हमारे जो टाइगर हैं वो हमेशा जंगल में ही रहते हैं, तो वो एरिया हमेशा हरा भरा होता है। उसी तरीके से जो आंट जेनिफर हैं, वो भी जब अपनी स्क्रीन में टाइगर को डिज़ाइन कर रही हैं तो उस फ्रेम का आसपास का एरिया भी हरा भरा है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पीस इन स्लीक चेवेलरिक सर्टेनिटी। तो जो हमारी आंट जेनिफर हैं, वो बता रही हैं कि ये जो उनका टाइगर है, उस पेड़ के नीचे या जंगल में कितने भी साधारण आदमी क्यों ना आ जाएं, ये किसी से भी नहीं डरता, बल्कि ये फियरलेसली मूव करता है। इसे जहाँ जाना है वो वहाँ जाएगा, इसे जो करना है वो वही करेगा, अर्थात ये टाइगर पर किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश नहीं है। दे पेस इन स्लीक सिवेरलिक सर्टेनिटी, और उसे जहाँ जाना है वो वहाँ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथी है, शाइनी है, और ये शिवरलिक अर्थात बिना किसी डर के कॉन्फिडेंट से ये अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो देखिए, फर्स्ट स्टांजा में एक शब्द आया है मैन, तो इससे हमको एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि जो आंट जेनिफर्स हैं, ये इनके जीवन में कोई बड़ी समस्या है, अर्थात ये जिस आदमी के साथ रह रही हैं, जिस मैन के साथ ये रह रही हैं, वो मैन इनको कई तरीके से परेशान करता है। और ये आंट जेनिफर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये अपने जीवन में जो चाहती हैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हैं, और वो शायद इनसे मारपीट भी करता है, इनको कई तरीके की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा, और ये अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, अर्थात जी नहीं पा रही हैं। इसलिए ये अपनी स्क्रीन में एक ऐसा टाइगर बनाती हैं जो किसी से भी ना डरे, जो जहाँ मन चाहे वहाँ जाए, और वो सभी प्रकार की समस्याओं, किसी प्रकार की समस्याओं से ना जूझे। तो इसीलिए जो आंट जेनिफर हैं, वो भी अपने जीवन में एक टाइगर की तरह आज़ादी के साथ ज़िंदगी जीना चाहती हैं। इसी तरीके के लिए वो एक ऐसे टाइगर को डिज़ाइन कर रही हैं। सेकंड स्टंजा में देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल।
फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफायर्स हैंड. तो जो हमारी पोएट हैं एड्रिन रिच, वो बता रही हैं कि जो आंट जेनिफायर्स हैं, जब वो अपनी स्क्रीन पर भूल से टाइगर बना रही हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं. हाथ कांप रहे हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, फिर भी वो अपने मन की फीलिंग्स को उस फ्रेम पर उतार रही हैं. अर्थात वो भी इसी तरीके से जीवन चाहती हैं जिस तरीके से वो स्क्रीन पर एक टाइगर डिज़ाइन कर रही हैं. अर्थात वो भी अपनी आज़ादी के साथ रहें, उन्हें कोई डराने धमकाने वाला ना हो, वो जब जहाँ चाहें तब वहाँ जा सकती हैं. इसीलिए उस टाइगर को फ्रेम पर ऊन से बनाते समय उनके हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. और जिस नीडल से या जिस सिलाई से वो उस टाइगर को स्क्रीन पर फ्रेम कर रही हैं तो उस समय उनके हाथ कांप रहे हैं. अर्थात वो नीडल उनको भारी लग रही है जिसके कारण उनके जो हाथ हैं वो डगमगा रहे हैं. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड शिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफायर्स हैंड. तो जो रिंग है जो अंकल ने शादी के वक्त आंटी को पहनाई थी उसका वेट बहुत अधिक हैवी जान मालूम पड़ता है, क्योंकि जो रिंग होती है उसका वजन तो उतना नहीं होता है. लेकिन यहाँ भावनात्मक रूप से बात समझाई गई है कि वो रिंग पहनाने के बाद जिस तरीके से आंट का जीवन हो गया उसके बारे में बताया गया है कि उस बंदूक का वजन इतना अधिक हो गया है कि उसका भार उन्हें ज़िंदगी भर चुकाना पड़ेगा. कहने का आशा ये है कि जब तक वो रिंग उन्होंने अपनी फिंगर में नहीं पहनी थी तब तक उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आज़ादी वाली थी, सुख सुविधाओं वाली थी. लेकिन जिस दिन से अंकल ने उनको ये रिंग पहना दी है उस दिन से उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से जूझने लगा है, क्योंकि अब अंकल की जितनी भी पाबंदियाँ हैं वो आंट पर आ गई हैं, अंकल के रेस्ट्रिक्शंस भी आंटी पर आ गए हैं. जब अंकल कहेंगी तब आंटी कहीं जाएंगी, अन्यथा आंटी बिल्कुल नहीं जाएंगी. अर्थात उनकी जितनी भी फ्रीडम है वो सभी करटेल हो गई है. सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफायर्स हैंड. और आंट जेनिफायर के हाथ में ये जो रिंग है वो उनको बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रही है. अर्थात उस रिंग के साथ जो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, जो उनकी लाइफ की जो आज़ादी है वो छिन गई है, वो सब चीज़ें उस रिंग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा हैवी मालूम पड़ रही हैं. थर्ड स्टांजा देखते हैं. बहन आंट इज़ डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डील्स सी वाज मास्टर्ड बाई द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. तो जो एड्रिन रिच हैं वो बता रही हैं कि जब आंट मर जाएंगी लेकिन उनका जो शरीर है वो जो कांपता हुआ शरीर है वो भी एक दिन मर जाएगा. अर्थात जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति का शरीर थोड़ी ना रहेगा. और आंट जेनिफायर तो वैसे ही मन से मर गई हैं जिस दिन से उनके हाथ में वो रिंग आ गई है, क्योंकि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो उनकी आशा के अनुरूप नहीं था. वो उनको कई तरीके से टॉर्चर करता था, उसने उनकी पूरी स्वतंत्रता छीन ली थी. तो वो कह रहा है कि वेन आंट इज़ डेड, जिस दिन आंट मर जाएंगी तो उनका ये शरीर भी मर जाएगा, क्योंकि मन तो उनका सेकेंड स्टांजा में ही मर गया था. स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डील सी वाज मास्टर्ड बाई. और लेकिन ये जो उनकी रिंग है ये उनको जब भी जकड़े रहेगी. अर्थात शादी के अर्थात मरने के बाद भी ये रिंग उनको उसी तरीके से जकड़े रहेगी जिस तरीके से मरने के पहले ये रिंग उनको जकड़े थी. अर्थात जिस दिन शादी हुई थी उस दिन के बाद से ही आंट को वो रिंग बहुत ही हैवी मालूम पड़ रही थी. हैवी मालूम पड़ने का आशय ये है कि अंकल के इतने ज़्यादा टॉर्चर थे उनके ऊपर, इतनी ज़्यादा उनके रेस्ट्रिक्शंस थे कि तभी से उनको ये रिंग बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगी थी. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. लेकिन जो टाइगर उनने इस फ्रेम में डिज़ाइन किया है अर्थात एम्ब्रॉयड डिज़ाइन किया है जो टाइगर उनने इस फ्रेम में विल गो ऑन प्रांसिंग,
वो इसी तरीके से प्रैंसिंग अर्थात घमंड के साथ आगे बढ़ेगा, प्राउड के साथ आगे बढ़ेगा, प्राउड एंड अनअफ्रेड, और बिना किसी डर के वो अपने जीवन में एकदम आगे बढ़ेगा। तो इस लेशन में जो एड्रिन रिच हैं उन्होंने औरत की दयनीय स्थिति के बारे में इस पूरी पोयम में बताया है। फर्स्ट स्टांजा से लेकर थर्ड स्टांजा में उनने हमको केवल एक ही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि शादी के पहले एक लड़की का जीवन बहुत ही खुशनुमा होता है। लड़की अपने फैमिली में अर्थात अपने पापा के घर में एक परी बनकर रहती है, लेकिन जिस दिन से उसकी शादी हो जाती है उस दिन से ही उस औरत की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। लेकिन यदि उसका हस्बैंड भी अलग से कुछ नए रेस्ट्रिक्शन रखे तब उस औरत को वो अंगूठी बोझ की तरह लगती है और उसे अपना शादीशुदा जीवन भी एक बोझ की तरह लगता है। इसीलिए जितने भी जेंट्स हैं दुनिया में या जितने भी मैन हैं दुनिया में उन्हें अपनी औरत को इतना रेस्ट्रिक्शन में नहीं रखना चाहिए कि उनको वो रिंग एक बोझ लगे, बल्कि उनको ठीक तरीके से रखना चाहिए, उनका कदम कदम पर साथ देना चाहिए, उनको हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए जो चीज़ वो अपने जीवन में करना चाहती हैं। क्योंकि जो औरत होती है, जो लेडीज़ होती है, वही घर की लक्ष्मी होती है और उसी से उनका घर सुखमय बन सकता है। इसी तरीके से जो हमारी आंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी अपने जीवन में, इसलिए वो मन ही मन में सोच रही हैं और वो एक शेर भी बनाती हैं बहुत ही ज़्यादा आज़ाद, और उस शेर की तरह ही वो अर्थात वो एक शेरनी की तरह जीवन जीना चाहती हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। वो अपनी आज़ादी के साथ कहीं भी आना चाहती हैं, जाना जाना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं, अर्थात वो चाहती हैं कि वो जीवन में किसी से भी ना डरें और फ्रीडम के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएँ।